मंदसौर में फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगे टीके घूम रहे हैं। मंदसौर में बिना मास्क के लोग। मंदसौर जिले में कोविड-19 के अंतर्गत 10 जनवरी से फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीके लगाने का कार्य किया जा रहा है और अभी तक 180 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। मंदसौर जिले में कलेक्टर गौतम सिंह, एसपी सुनील कुमार पांडे द्वारा जिले भर की जनता से अपील की जा रही है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। पर लोग शहर में बिना मास्क के घूम रहे हैं और नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। मंदसौर कांग्रेस जिला सचिव कमलेश जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिले में लोगों को मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना चाहिए। कांग्रेस हो या बीजेपी पार्टी, दोनों ही पार्टियों को इस समय कोई कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। और कहा कि कल मंदसौर में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें कार्यकर्ता और बड़े पदाधिकारियों ने भी कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए कार्यक्रम किया। और मंदसौर जिले में अभी 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक्टिव है, जिनका उपचार जिला अस्पताल मंदसौर में चल रहा है। देखने में आया कि मंदसौर के जिला अस्पताल के पीछे स्थित लॉन्ड्री एरिया पर फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर तथा 60 वर्ष से अधिक लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। वहां पर भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और लोग नियम को ताक पर रख कर पास पास में खड़े हुए हैं, नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं। मीडिया के जवाब के बाद मौजूद स्वास्थ्य कर्मी द्वारा वहां पर फिर सोशल डिस्टेंस का पालन कराया गया। जो टीके लगवाने आए थे उनको उससे पहले स्वास्थ्य कर्मियों ने कोई नियम का पालन नहीं कराया और बताया कि जो स्वास्थ्य विभाग लोगों में शहर में घूमकर सोशल डिस्टेंस के लिए जागरूक कर रहा है, पर उन्हीं के छोटे कर्मचारी इस तरह अनदेखी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। डोज लग रहे हैं यहाँ पर और अभी करीबन 180 के समथिंग लग चुके हैं टीके और अभी आ ही रहे हैं सभी लोग। 60 साल से ऊपर वाले भी लग रहे हैं, फ्रंट लाइन वर्कर को भी लग रहे हैं, तो अभी आ रहे हैं। अभी 5 बजे तक का समय है, हम लोग अभी लगा रहे हैं वैक्सीन जी। 60 साल से ऊपर वाले को लग रहे हैं और फ्रंट लाइन वर्कर को भी लग रहे हैं। 182 टीके लग चुके हैं और अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है और धीरे धीरे आ ही रहे हैं, जागरूक है पब्लिक। क्या कोरोना के प्रति लोगों में क्या जागरूकता है ना सर? कितने बूस्टर डोज लगाएंगे तो अपने को अगली तीसरी लहर तक पक्का वो हो जाएगा, इसलिए आ ही रहे धीरे धीरे। क्या मार्केट में किस तरह से लोगों से अपील क्या कर रहे हैं? मार्केट में तो सर हम प्रचार प्रसार करा ही रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं? कि बूस्टर डोज लगवाइए, सेकंड डोज बचाए तो वो भी लगवाइए, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखे। और यहाँ पर मैं कुछ लोगों जो लाइन लगी हुई है टीके वगैरह लग रहे हैं, जो यहाँ पर देखने वाला है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। सर वो क्या एक्चुअली क्या है कि ज़्यादा भीड़ आ जाती ना तो बोलने की बजाय वो एक के ऊपर एक चलते रहते। और क्या कि थोड़े एज वाले लोग हैं तो उनसे बोलो तो बोल भी नहीं सकते उनसे, थोड़े वृद्ध लोग हैं ना, इसलिए। बाकी तो सब लगा रखे सबने मास्क। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्रीमती पुष्पा राठौर। ठीक है। देखिए जिस तरह से कोरोना मंदसौर में 19 केस एक्टिव है अभी, तो मंदसौर की जनता को बहुत ही सतर्कता रखना चाहिए और कोविड-19 के सारे नियमों का पालन करना चाहिए और ख़ासकर मास्क को हमेशा लगा कर रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उनको भी बड़े आयोजनों से बचना चाहिए। जिस तरह की कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आए और इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करके चले गए, तो ये अभी समय नहीं है कि इस तरह के कार्यक्रम किए जावें, क्योंकि जनता की ज़िंदगी ही सबसे ज़्यादा अनमोल है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो वो अपनी पहले से ही तैयारियों को अच्छी तरीके से कर ले, ताकि जो पिछले लहर में जो हुआ था कि लोग ऑक्सीजन और इंजेक्शन के लिए तरसे तड़पे और मरे, वो मंजर हमें वापस न देखना पड़े।